दोस्तों ये है ओरिएंट की तरफ से आने वाली एक 32 एम्पेयर की एमसीबी। अब एमसीबी हम यूजुअली यूज़ करते हैं जैसे कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एमसीबी जो है ट्रिप कर जाती है, तो आपकी डिवाइस जो है वो ख़राब नहीं होती। तो नॉर्मली इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने 1.5 टन के विंडो एसी के लिए, क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वाली थी उसकी हालत आप देख सकते हो किस तरीके की हो गई है। अब आई डोंट नो वो अचानक से ही जल गई, क्या कारण था क्या नहीं, क्योंकि मैंने वायर भी अच्छी वाली यूज़ करी है। नॉर्मली हम घर की फिटिंग में जो वायर यूज़ करते हैं हैवी, उससे ज़्यादा हैवी हम यूज़ करते हैं एसी के लिए, और सेपरेट मैंने वायरिंग करा रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये जो एमसीवी है ओरिएंट की ब्रांडिंग है, फीचर वगैरह वही सारे हैं। तो यहाँ पर 32 एम्पियर लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह भी इसका लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आती है, मिनी डीपी एमसीबी विद इनक्लोजर और मेड इन इंडिया ब्रांड है। चलिए ओपन करते हैं, इसमें दिखाता हूं आपको, इसमें आपको कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं और उसके बाद ये एमसीबी आपको मिलती है जो कि पूरी प्लास्टिक बॉडी है। इसमें आपको एक एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाता है और इस तरीके से आप इसे इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। 32 एम्पियर की है और 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है, तो ईजिली आप इसे ड्रिल करके वॉल में लगा के और कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसको एक बार ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद मैं आपको इसका ओवरऑल अंदर किस तरीके से वायरिंग आपको करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी। आप नीचे की तरफ जो आपको बाहर से पावर लानी है और ऊपर की तरफ वो वाले वायर आपको लगाने हैं जिसमें आपको इसे पावर देनी है। दो स्क्रूज हैं, इजीली आप ओपन कर सकते हैं, दो स्क्रूज हैं, बड़े आराम से छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से ओपन हो जाएंगे। जब आप ओपन करेंगे एलईडी इंडिकेटर के दो वायर हैं जिनको आपको कनेक्ट करना है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। तो नीचे जो दो पोर्ट दिए हैं, यहाँ पर जो पावर इनपुट है जहाँ पर आपको लेनी है वो आप देंगे, और ऊपर की तरफ आप पावर आउटपुट, जिस डिवाइस को आपको आउटपुट देना है वो वहाँ पर आप लगा देंगे। ये स्क्रूज दिए हैं इन्हें डिले करके, इसी में आप वायर लग जाएगी ईजीली। और ये जो वायर हैं दोनों एलईडी इंडिकेटर की, ये भी आप आउटपुट के साथ ही लगा दीजिए, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे वो जलने लगेगा इंडिकेटर। और अगर मैं बात करूं, ये देखिए बैक कवर जो है, इसमें आपको दो होल दिए हुए हैं, दो मतलब चार होल हो सकते हैं इसके अंदर, दो टॉप की तरफ है और दो बैक साइड में आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये कुछ इस तरीके से है। नीचे जो होल दिए हैं ना, उसमें हल्का हल्का कनेक्ट किया हुआ प्लास्टिक को, वो इंडिकेटिव है, तो आप उस वो आपको दिखाने के लिए है कि यहाँ से आप इसे तोड़ सकते हैं। तो आप इसे कटर से या स्क्रू ड्राइवर से किसी से भी काट सकते हैं, मैंने पेचकस से ही किया था, थोड़ा हो जाता है, मतलब ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में ना लगे और इधर उधर कोई और चीज़ आप ना डैमेज कर दें, इजीली आप उसे निकाल सकते हैं। तो इसे निकालते हैं और निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कहाँ लगाया है और लगने के बाद ये कैसी दिखती है। तो ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया है, अच्छी खासी मोटी वायरिंग है। तो ये देखिए मैंने इसे ऑन किया है और मेरा जो एसी है वो ऑन हो गया है। तो काफ़ी इजी रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ इन सब चीज़ों में कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही उसको ठीक कर दूँ। तो एमसीबी मैंने परचेज़ करी, वायरिंग करी और इसको लगा दिया, तो अब ये मस्त लग रही है। लाइट ऑफ करके भी दिखाता हूँ, बट ये जो फ्लिकरिंग है, जो ब्लिंकिंग है वो रहेगी। स्मार्टफोन के कैमरा से मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ब्लिंकिंग आ रही है दोनों जगह। बाकी काम हमारा हो गया है, एमसीबी लग गई है मस्त तरीके से। अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये थी दोस्तों एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, और मतलब एक जो मेरे साथ इशू हुआ था कि पुरानी जो एमसीबी है जो जल गई थी, तो मैंने ये 32 एम्पियर की ओरिएंट की तरफ से आने वाली एमसीबी जो है उसको यूज़ किया गया है। तो बस यही था दोस्तों आज इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए द टेक प्रो।